नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2020 के प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया करंट अफेयर्स की जो वार्षिक बुक आई है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे कंटेंट है इसके अंदर। तो इसमें जो है बुक के लास्ट में है वो 25 सेट दिए हुए हैं, जिसके प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन है। और ये बुक आप कर लेते हैं तो मेरा ये मानना है कि करंट अफेयर चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो या फिर झारखंड का हो, कोई भी पीसीएस हो, उन सभी के लिए, एचसीएस हो, आरएएस हो, सभी के लिए ये मेंस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। एसएससी की बात करूँ, चाहे एचपीएससी की बात करूँ या फिर सीजीएल, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूँ। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। और ये बुक आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको अमेज़न पर या फिर फ्लिपकार्ट पे आपको ये जो है प्रोवाइड हो जाएगी। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन पहला सेट हम लगा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके आप अपना स्कोर बताना। इसमें 50 क्वेश्चन है, हम सारे डिस्कस करेंगे, तो आप अपना स्कोर बताना कि हमने 50 में से हमारे कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा की गई है? अगस्त 2020, सितंबर 2020, अक्टूबर 2020 या फिर नवंबर 2020? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सितंबर 2020। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका संबंध है छात्रों एवं शिक्षकों से, किसानों से, सिविल सेवकों से, मजदूरों से। तो राइट आंसर क्या होगा? सिविल सेवकों से। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? 2 को, 3 को, 5 को या फिर 6 भाषाओं को? तो कितनी भाषाओं को मंजूरी दी गई है? 5 भाषाओं को। कितनी को दी गई है? 5 को। ठीक है, सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर गुजरात? तो राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। अगला है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई? पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर उड़ीसा? तो राइट आंसर क्या होगा? वर्ष 2021 खेलो इंडिया यूथ के चौथे 21 की बात हो रही है, तो हरियाणा को ये जो है मेजबानी है सौंपी गई है। किसको? हरियाणा को। आप इसको एक टेस्ट की तरह लगाएं और अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में उन जिनका हाई स्कोर होगा उनके मैं नाम लूँगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किसे उनके स्थान पर कार्यभार सौंपा गया? आनंदीबेन पटेल, भगत सिंह कोश्यारी, सत्यपाल मलिक या फिर कलराज मिसर? तो किसको दिया गया है? आनंदीबेन पटेल को। अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? रिभोई, सुकमा, बीजापुर या फिर बराइच? तो राइट आंसर क्या होगा? बीजापुर। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। अगला है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निकोलस रेबल, इमैनुअल मैक्रोन, एंड्रेज डूडा या जेन कैस्टेक्स? तो राइट आंसर क्या है? जेन कैस्टेक्स। ठीक है, जेन कैस्टेक्स, डी इसका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं, हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया है, के कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली है, स्कूलों में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के फॉर्मेट को अपनाया गया है, शिक्षा पर GDP का 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 8% खर्च करने का लक्ष्य, ये बात इसमें जो है सत्य नहीं है, बाकी सारी सत्य हैं। ठीक है, जो मानव संसाधन मंत्रालय उसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया, के कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिश पे नई शिक्षा नीति लाई गई है और अब ये पॉलिसी जो है फॉर्मेट है इनका 5+3+3+4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई है, भारत के किस वन्य जीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? पंचमढ़ी अभयारण्य, जिम कार्बेट, कूनो पालमपुर अभयारण्य या बुक्शा अभयारण्य? तो किस में इनको रखा जाएगा? तो कहाँ रखा जाएगा इनको? कूनो पालमपुर अभ्यारण्य में, सी इसका राइट होगा। अगला है, आवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, डॉक्टर हर्षवर्धन, आरसी भार्गव? तो इसके जो हैं, हम बात करूं लेखक हैं,
वो कौन है? ए राइट आंसर होगा उर्जित पटेल, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर रहे जो उर्जित पटेल। अगला है, चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत अफगानिस्तान उरियान के मध्य त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा है। वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाई जाएगी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है, केवल ए, केवल थ्री, केवल एक और दो, केवल एक दो या तीन। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, एक दो तीन, ये तीनों ही राइट हैं, ठीक है। आज़ाद पटन और कोला जल विद्युत परियोजना के निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए? भारत बांग्लादेश, भारत अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान, चीन और नेपाल। तो राइट आंसर क्या होगा, चीन और पाकिस्तान के बीच में। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने हेतु नॉमिनेट किया है? शोभा शेखर, रघुराम राजन, अर्चना सारिंग या अश्विनी भाटिया। तो राइट आंसर क्या होगा, अर्चना सारिंग, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें, भारत के संकेतक वन्य जीव अभ्यारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा। यह अभ्यारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, भूटान के पूर्वी क्षेत्र में, सिक्किम के पूर्वी क्षेत्र में, भूटान के पश्चिमी क्षेत्र में। तो ये पड़ता है भूटान के पूर्वी क्षेत्र में, मतलब बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, किस देश में? इराक, सीरिया, आबू धाबी या फिर तुर्की। तो राइट आंसर होगा डी, तुर्की। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जो मोदी बोल सकते हैं आप, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना की शुरुआत? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर मिजोरम। तो राइट आंसर होगा लद्दाख, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? चीन, इटली, जापान या फिर इंग्लैंड। तो कहाँ किया जाएगा, इंग्लैंड के अंदर। वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है? भारत और रूस, भारत और फ्रांस, भारत और जापान, भारत और इंडोनेशिया। तो राइट होगा बी, भारत और फ्रांस के बीच में। दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? वासुदेव मोही, अमिताभ घोष, अकितम अच्युतन या फिर अमिताभ बागची। तो आप सब जानते हैं अकितम अच्युतन को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, अटल मेट्रो स्टेशन, संसद भवन मेट्रो स्टेशन, अरुण जेटली मेट्रो स्टेशन या सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। तो राइट आंसर आप सब जानते हैं, इसका नाम दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया है। क्या कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, आईएमडी द्वारा या फिर जर्मन वॉच द्वारा। किसके द्वारा ये लॉन्च किया जाता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 28 जून, 29 जून, 28 जुलाई, 29 जुलाई। तो राइट आंसर होगा 29 जुलाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत ने, क्लियर है यहाँ तक आपका, भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु एग्रीमेंट किया है। राफेल विमान की निर्माता कंपनी बोइंग, एयरबस, डसॉल्ट या डेट्रॉयड, कौन सी कंपनी है इसमें? तो ये तो बहुत बार चर्चा में रहा था, डसॉल्ट आपने न्यूज़ में देखा होगा बहुत बार, इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट भी हुई थी राफेल को लेकर। हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। सोनभद्र किस राज्य में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम को भारत में भी लागू किया गया है? नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, शिक्षा मंत्रालय, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो राइट आंसर होगा बी, वर्ल्ड बैंक। 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? लखनऊ, कोलकाता, पुणे या फिर नई दिल्ली। तो कहाँ पर किया जाएगा, पुणे के अंदर, महाराष्ट्र में। हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? आर्टिकल 19, 20, 21 या 32। तो राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 19, मतलब 19, अनुच्छेद 19 को।
अगला है सीम पोर्टल ASEEM, जो पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो किस मंत्रालय के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो ये कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता जो मंत्रालय है उसके द्वारा ये असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है। चर्चा में रहे IM विजयन का संबंध किस खेल से है? IM विजयन फुटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, हॉकी या फिर बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर फुटबॉल है। 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया था। पृथ्वी पर जीवन कायम रखना, जल और जैव विविधता, जल और जलवायु परिवर्तन, जल ही जीवन है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है जल और जलवायु परिवर्तन। अगला है हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1003 में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की? मालदीव, लक्षद्वीप, इंडोनेशिया और मॉरिशस। तो राइट आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय द्वारा सर्जन पोर्टल लॉन्च किया गया? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करें तो रक्षा मंत्रालय। किस मंत्रालय ने सर्जन पोर्टल लॉन्च किया है? रक्षा मंत्रालय। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल घोषित कर दिया? लेबनान, मलेशिया, मॉरिशस या फिर सिंगापुर। तो क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात कर रहे हैं तो मॉरिशस के अंदर जो है तेल का रिसाव होने के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है इसराइल UAE शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसराइल से समझौता करने वाला UAE पहला खाड़ी देश बना। अब इसे इब्राहिम समझौता भी कहा गया है। इसराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इसराइल को अधिकार प्राप्त हो गया है। केवल एक सही है, केवल तीन सही है, केवल एक दो, दोनों सही है, केवल दो या तीन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करें तो सी इज द राइट आंसर, मतलब एक और दो दोनों सही है। ठीक है, अगला है हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार जोशी, जीपी गर्ग, गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज सिन्हा। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपने सुना ही होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? जेम्स एंडरसन, मिशेल स्टार्क, शेन वॉर्नर या फिर मोहम्मद आमिर। तो राइट आंसर क्या है? जेम्स एंडरसन। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली, केला, हरमल मिर्च, खेज मिठाई को GI टैग, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं जिसे GI टैग प्रदान किया गया? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या गोवा। तो राइट आंसर क्या है? गोवा। पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन AZ प्रोजेक्ट की शुरुआत की? सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर या फिर असम। तो कहाँ पर की है? मिजोरम के अंदर। हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किया गया राज्य में, किस राज्य में किया गया? ओडिशा, तेलंगाना, केरल या फिर तमिलनाडु के अंदर। तो ये कहाँ पर किया गया था? ओडिशा के अंदर। केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई जिसका नाम रखा गया सार्थक, प्रतिज्ञा, प्रतीक्षा, किरण। तो क्वेश्चन नंबर 42 की बात हो रही है तो राइट आंसर है प्रतीक्षा। क्वेश्चन नंबर 43 विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई, 10 अगस्त, 20 अक्टूबर या 28 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है 10 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है? मरियप्पन टी, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, जसमरीत बुमराह। तो क्वेश्चन नंबर हम 44 की बात करें, अभी जो राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त था तो जो जो पुरस्कार दिए गए उसके अंदर हम बात करें तो इन चारों में से कौन नहीं है पूछा है, तो जसप्रीत बुमराह इसमें नहीं है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न की बात हो रही है, यहाँ पर रोहित शर्मा थे, आपको याद रखना है। क्रिकेट की तरफ से बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ एग्रीमेंट किया है? सऊदी अरब, ईरान, इसराइल या तुर्की। तो किसके साथ किया है? इसराइल के साथ। अगला है पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक हैं विजय कुमार चौधरी, एस श्रीधरन पिल्लई, गजेंद्र सिंह शेखावत, नरेंद्र सिंह तोमर। तो है राइट है विजय कुमार चौधरी। निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में से कौन सा सत्य नहीं है? ईशान शर्मा क्रिकेट, ये ठीक है। दीप्ति शर्मा हॉकी, मनु भाकर शूटिंग,
सुयश जाधव पैरा तैराकी। तो इनमें से जो है कौन सा सही नहीं है ये पूछा है आपसे। तो आपको पता है दीप्ति शर्मा हॉकी की खिलाड़ी नहीं है, ठीक है, क्रिकेट की है। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स की सदस्यता को मंजूरी दी गई है, दरभंगा, पटना, बेगूसराय या फिर भागलपुर। 48 की बात कर रहे हैं हम, तो दरभंगा के अंदर बनेगा। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान ऊपर से प्रथम, ऊपर से द्वितीय, नीचे से प्रथम, नीचे से द्वितीय। तो राइट आंसर क्या है, ऊपर से द्वितीय है। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच हेतु किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्पैरो पोर्टल की शुरुआत की गई है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, गुजरात या फिर हरियाणा। तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। तो ये एडुटेरिया जो करंट अफेयर की बुक है उसका प्रैक्टिस सेट 1 था। ऐसे ही 25 प्रैक्टिस सेट करेंगे। वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए लाइक, और अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करें कि आपने इन 50 में से आपके कितने राइट हुए हैं, क्योंकि इसे एक टेस्ट की तरह लगाएं। आपके रिस्पांस के आधार पर ही मैं आगे के 25 सेट कराऊंगा। जो भी चाहता है कि आगे सारे के सारे ये सेट करवाए जाएँ वो यस लिखें, ठीक है, कि ये आगे सारे टेस्ट करवाए जाएँ। और इनकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कंप्लीट बुक जो एक अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप वो फ्लिपकार्ट, अमेज़न से आप डिलीवरी ले सकते हैं, या फिर आप आसपास के जो बुक स्टोर हैं दिल्ली में तो मिल जाएगी आपको, लेकिन जो ऐसे एरिया लोकल एरियाज़ हैं हम बात करें तो वहाँ नहीं मिलेगी, तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।